अबे गुरु गोरखनाथ की जय। बोलो जगजननी भगवती माता की जय। बोलिए जहरवीर महाराज की जय। बोलो अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चे सनातन धर्म की जय। तुही तेरा नाम सही दाता मेरे तीन लोक सरताज। एक पानी से पैदा करे प्रभु जी बड़े गरीब नवाज। धन खेड़ा धन भूमिया भाई धन खेड़ा धन भूमिया एक मेरे धनी बसावनहार। और धन खेड़े तेरी थाना पते दादाजी नगर में आन लिया विश्राम। स्वर दे माता सार दे स्वर दे माता सार दे जो मां मेरे गुरु देवेंगे ज्ञान। कयन दे माता धरतरे और जल देंगे भगवान। मन सुमर लिए जगदीश श्री मनवरनाथ जी सतगुरु मिले गुरु जी को झुक चरण निवाऊं शीश। गौरी नंदन गजराज के भाई गौरी नंदन गजराज के जो मन प्रथम सुमरे नाम। एक भरी सभा के बीच में गणपति मेरे अड़े सवारो काम। जल में खवाजा सिमर लिए जल में खवाजा सिमर लिए करोइयों में सरवर पीर सिमरू बागड़ का लिया। राणा जी मेरी डिगी बंधावेंगे धीर। हरि ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई जो सुमरण करे बंदे ओम का। तो शुद्ध आत्मा हो काटो राणा जी भेड़ियां भेड़ियां मेरे पैरां की काटो राणा जी भेड़ियां और मेरे गले की ताक जंजीर। आने जंगल में करना सहाय मेरे धन धन योद्धा नार सिंह भी। घोड़े वाले का बोलो सच्चे दरबार की जय। आ जा नीले घोड़े के सवार होके आ जा बाबा जी इकी आरती तेरी होने लगी है। बोलिए जहरवीर महाराज की जय हो साचे दरबार की जय हो। लो जी प्यारी संग से बेनती है बाबा जी की पावन आरती होगी। सभी अपने स्थान पे दो मिनट के लिए खड़े होंगे।
मुरादा मिल रही आ। हाँ भागड़े वाले वा तेरे दरबार संगता बाबे झुक रही आ। सावन मलाया बाबा जी भावड़ा मेरे बाबे आने लगे शरण तुम्हारे संगता झुक रही हाँ मेरे रानी वा तेरे दरबार संगता बाबे झुक रही आजा हो जा सहाई महाराज संगता बाबे झुक रही संगता झुक
सेवा वा चाकरी महाराज संगता झुक रहिया आहा ज्योत जगाईया तेरे तेरे नाम की नगरी बाबा ज्योत जगाईया तेरे तेरे नाम की राणा जी बरागा बसेरायो तेरे तेरे नाम का मेरी रानी आहा टापू या नगरी की है सभी बोलो साचे दरबार की जय बोलो जय हर वीर महाराज की जय बैल चढ़े शिव जी मिले और मिले करने चढ़े भगवान एक शेर चढ़ी दुर्गे मिली मैया जी मेरे अड़े समारो काज सदा भवानी मादाहिनी सदा भवानी मादाहिनी गोरी गोरी पुत्र गणेश तीन देव रक्षा करे माँ एक ब्रह्मा विष्णु महेश आरे भवानी वास करो माँ मैया जी मेरे घट के पर्दे खोल एक रसनापुर वासा करो माँ मैया जी शुद्ध वाणी मुख बोल प्रथमे गुरां जी को वंदना मैं द्वितीय मनावा श्री गणेश तृतीय सिमरा मैया शारदा भगवती मेरे कंठ करो परवेश तेरी ज्योति से नूर मिलता है माँ नूर मिलता है माँ तेरी ज्योति से नूर मिलता है माँ और गमे दिल को सरूर मिलता है माँ जो तेरी ज्योत पे झुक जाए माँ शेरा वाली उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है माँ ज्योता वाली माता अब तो आ जाओ दिल के आसियाने में दिल तो बड़ा बेचैन है माँ माना देर करो तुम आने में बोलो सचे दरबार की जय जयकारा जगदी ज्योता वाली का बोलो सचे दरबार की जय आइए भक्तों जगदाती महारानी की भेंट होगी क्योंकि माँ के बिना ये संसार अधूरा है इंसान सुना है गुरु ज्ञान के बिना मंदिर सुना है भगवान के बिना धनवान सुना है संतान के बिना ऐसी ये जीवा महारानी के गुणगान के बिना सभी ने अपनी कुल की देवी का ध्यान लगाना और जगदाती महारानी की भेंट पर ताड़ी बजानी है बोलिए सच्चे दरबार की जय Thank you.
बड़ी अपनिया सवाला एक नीत से धार लई माँ तेरे नाम के मालारी माँ तेरे नाम के माला ऊंचा जो तेरा हकरे भावने का बुरा से रे तड़ुका तेरी पाते पंडत करा है पूजना पड़ा जगत माँ रुका दुर्गा तेरे भवन की माँ रिम झिम पुतिया
आवे दुर्गा तेरे भवन के मां मांगे राम ने बैठ भजन में मांगे राम ने बैठ भजन तेरे नाम की माड़ा ये जवाला तेरे नाम की माड़ा कटवा जाड़े मैया तेरे रे भवन जाओ तेरी जाओ बड़ा सवाला एक नीत से धार ले माँ तेरे नाम की माड़ा री माँ तेरे नाम की माड़ा अटल सटल दुर्गे माता की सदा जय जय हरि रखना प्रतिज्ञा भगवती तू ही तेरा नाम सही बोलो साचे दरबार की जय हले 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 मेरा
बंदा एक पैर रहे ना दूसरे की आशी जिंदगानी ऐसी है जैसे के जल के ऊपर बुलबुला हो जाता है, ये नहीं पता कि कभी ये बुलबुला फूट जाए और बंदे का ये प्राण फिर उड़ जाए। वाजो वाजो। सोई भाई भजन भगवान का जो भाव सागर से करता है पार। वैसे तो परमात्मा ने इस दुनिया के बीच में बड़े बड़े महाबली सूर में अपने से सिवाए अपने से जोड़े इस धरती के ऊपर पैदा करे हैं, परंतु पैदा करके इसी पृथ्वी के पर इसी पृथ्वी के बीच में मिला दिए हैं। अमर नाम उस मेरे परमात्मा का है जिसने इस दुनिया को रचा है। ये संसार तो एक आवागमन है, परंतु भजन बंदगी के लिए इस दुनिया के बीच में देवी देवते पीर पैगंबर औलिया मेरे भगवान ने उतारे हैं। ऐसे कमर ज्योत ये गुगा जहर वीर महाराज जिसकी आज इस नगरी के बीच में ज्योत जगी है, गुणगान बाबा जी का है, नगरी ने बड़ा सहयोग दिया है, जो बाबा जी का दरबार सजा है। प्रेमियों देखो इतने बड़े तो कलाकार ने आपके बच्चे हैं, जैसी भी बाबा जी की कथा गुरु महाराज ने बताई आपकी सेवा में ये अपने बच्चे, आपकी ये पार्टी हाजिर है, अगर कथा में गलती चलती हो तो अपने बच्चे समझ के माफ कर देना प्रेमियों। तो दानियों कहां से बाबा जी की कथा के सब शुरू किए जाए। लो जी बाबा जी के सगाई का भाग शुरू करते हैं, परंतु पहले सभी बाबा जी के दरबार में आए हैं, श्रद्धा से जयकार लगाएं बाबा जी के नाम का। बोलिए जहर वीर महाराज की जय, बोलिए बाबे गोरखनाथ की जय। वो टिल्ले के सामने मैडी के पास, टिल्ले के सामने मैडी के पास, के पास वो लगा रहे
सब की मंजूर करे, दुआ करे जो दिल से, तू सब की मंजूर करे, दुआ करे जो दिल से। हाँ यही दुआ तो होती है, होती है मुश्किल से, यही दुआ तो होती है मुश्किल से। जब अपनों ने ठुकराया, जब टूट जावा फिर कहा परमात्मा तो ठा लेटा कले मना चुकी पेश तो चलते नहीं, छोरे रोटी भी लेते हैं। अब तो मेरे जीवन की डोल रही है नैया, अब तो तेरे जीवन की डोल रही है नैया, इस नैया को इन्हें मैं ही देखूं और नहीं कोई दिखता, और जाना दही और समय की है के कारू का देश दुप्पा नगर के राजा संजा राजा का एक कन्या जिसका नाम सोना सिंह रे, सात बेटा के बराबर लड़की थी। जैसे कि हमारे यहां बागड़ देश के अंदर मां बाप ने सेवा करके गुरु गोरखनाथ की बेटे का वरदान पाया, वैसे ही राजा संजा की रानी बीजा देवी ने 12 साल तक समैल जोगी की सेवा करी। एक भाई सोना बसम की पट्टी बाबा जी ने उस माई को दी जिससे सोना सीरियल का जन्म हुआ। तो प्रेमियों लड़की शादी के योग होगी और पहले राजे महाराजा के जो अमीर घर एक रहते उनके रिश्ते नाई और ब्राह्मण के सुपुर्द करे जाए करते।
रुपया नारियल उनको दिया जाए करता कि पंडित जी मेरी लड़की के योग पर होना चाहिए, मेरे बराबर का घर होना चाहिए। और ये पंडित जी कमी समी रहेगी फिर ये देख दे पत्थर का कोल्लू लोहे की लाठे जन बच्चा कोल्लू में पड़वा दूंगा, खड़े एक पासा और तेल एक पासा करवा दूंगा। भाई नचकार का लेकर आते बड़े खुश होकर आते वो भी उस टाइम के अंदर राजा संजय ने नाई ब्राह्मण दोनों को बुला लिया और बुलाए का रुपया नारियल पल्ले के बीच में पह दिया। पंडित जी समा जितना मर्जी लग जो पीछे की चिंता नहीं करना, बाकी मैं योग जोड़ी का होना चाहिए। अब प्रेमी वो नाई ब्राह्मण कारू देश से चलते हैं, राजधानियां में जाते हैं। भाई समय की बात और बिना संजोग के कुछ नहीं होता है, जहां संजोग भिड़े होते हैं वहीं रिश्ता बनता है। कहीं कहते कहा बहुत दूर कर दिया भाई इसके संजोग वहीं थे वहीं हो गया। नाई ब्राह्मण ने घर मिल जा तो बर ना मिला, बर मिल जा तो घर ना मिला, ऐसे घूम जाने 6 महीने बीत गए। प्रेमियों 6 महीने में चले चले कहा राजस्थान के अंदर रह गए हैं। अब राजस्थान रेते का सोना बागड़ का देश, जहां की भी आप बड़ी भयंकर गर्मी थी और उस टाइम के अंदर तो 12-12 साल के काल पड़ जाए करके। प्रेमियों नाई ब्राह्मण गर्मी में परेशान हो रहे, रेते के सुहाने के बीच में बदल आएंगे, चल के कहां आएंगे, राजा जेवर के 9 लखे बाग के अंदर आए गए हैं। ये सोचा भी यहां कोई माली बैठा होगा, भाई पानी पीवांगे थोड़ी देर सस्तावांगे फिर चलेंगे। प्रेमियों राजा के 9 लखे बाग में आ गए, आह राजा जेवर का मोहन माली, परदेशी आए नमस्कार करी, पंडित जी को देखा, दादाजी जय हर राम, जय राम भाई सुखी रहो जजमान, तेरे नैन प्राण बने रहा, मात पिता की कला सुवाई रहा दुनिया के बीच में, हो बेटा थोड़ा पानी पिला, आहो पंडित जी बैठो पानी पियो, बैठे पानी दानी पिलाया सस्ता है। माली लगा कहन महाराज कोई बाहर के दिखा यहाँ के तो है नहीं, आना देशी परदेशी हैं कोई, कि हाँ भाई बेटा बहुत दूर के हैं, यहाँ कैसे आना गया पंडित जी, करे भाई एक राजा की लड़की का रिश्ता है ले रहे हैं, बड़े दने के घूम गए भाई, एक राजा की लड़की का रिश्ता है बेटा, बड़े दने के घूम गए बड़ी राजधानियां में घूमगे, परंतु उस लड़की के योग भर नहीं मिल गया। वो बेटा अगर कहीं आस पास में कोई राजा का लड़का तेरे पास तेरी निगाह में हो तो मेरे को बता। लखन महाराज कोई क्या, मारे राजा का भी यहाँ 3 लड़के हैं, एक का एक है एक के 2 हैं वो जुड़वा है, महाराज थारी समझ में आ जाए देख लो के भाई छोरे रखा, ये समझ में आ गए करा परमात्मा भाई मारे सिर का बोझ उतर जाएगा। चलो महाराज अब भाई मोहन माली एक नाई ब्राह्मण को साथ लेकर एक भाई कैसे कर रहे 9 महीने के अंदर आवा और आवाज मार के एक माई बाछन को बुलावा भाई छोरे से बोलूंगा ना जी। गहरा नोरे बला आ जी
मस्त महीना देखा नाई ब्राह्मण पंडित का रूप देख के माई ने दोयो हाथ जोड़े हैं दादाजी प्रणाम सुखी रहो जजमान बेटी नैन प्राण बने रहा चार युग तेरा नाम संसार के अंदर रहा हे माता ये मेहमान है किसी राजा की लड़की का रिश्ता ले रहे हैं मां हे माता मेरे से पूछा थे मन्ना अपने आड़े बता दिए दिखाइए माई क्या पता इनकी समझ में आ जाए इस समय तो बेटा वो यहाँ नहीं है वो तो
गरजड़े खेड़े की गश्त के पर गए हैं तो वहां घोड़े को देखने के लिए। पंडित जी को मेहमान खाने के अंदर बिठाया गया। माता बाछल पानी ले आई, पानी पिलाया, निकड़ू दूध है मिश्री का कुजा घोल कर नाई ब्राह्मण को पिलाया, बड़े आदर सम्मान से बिठाया। नाई ब्राह्मण की आत्मा प्रसन्न हुई, लगे कहने भाई ओ बैठ तो अच्छी है, पर चलो आगा जो छोकरा भी मिल जाना बहुत जाओ उधर जागा। प्रेमियों मोहनमाली छोड़ के बाग में आ जाता है, नौकर चाकर माई बाछल ने सेवा में लगाए दिए, भोजन बनाया, खीर खांड के भोजन नाई ब्राह्मण को जिमाए माई बाछल ने। उधर से भाई शाम का हो जाता है टाइम, तीनों भाई नीले घोड़े के सवार मेरे छत्री जहरवीर महाराज, गले घोड़ा के सवार दोनों उर्जन सुर्जन, एक महल के बीच में आए, मेहमान देखे, प्रणाम करी, नमस्कार करी, सिर धनवाया। माई बाछ रहेगी, तीनों बेटे डैन के अंदर खड़े कर दिए। लो पंडित जी ये मेरे बेटे हैं। ये भाइयों नाई ब्राह्मण ने सलाम लाई, दोनी ने सलाम लाएगा, कौन पसंद करया? एक बड़ा उर्जन जोड़ा, उर्जन जोड़े को पसंद कर लिया, लगे कहन माता यो लड़का मारी पसंद में आ गया। माई बाछल धरती नचकारी, जय हो परमात्मा, हे गुरु महाराज बाबे गोरखनाथ, मेरा बहुत जान बहुत जागा, बिन माँ बाप के बच्चे हैं, इन्हें लपेट दू पहला मेरे आड़ों को लपेटा जागा। अब भाइयो लगी कहना अच्छा बाबा जी बड़ी अच्छी बात है पंडित जी। प्रेमियों रात्रि का समा हो जा, नाई ब्राह्मण ने कह दिया बेटी सवेरी अपनी भाई बिरादरी इकट्ठी कर लिए, तेरे बेटे के परले में रुपया नारियल पै देंगे। ओहो अब भाइयो रात्रि का पैरा हो जा, खा पी का सब अब अपने कमरे के अंदर लेट जाते हैं। एक जहरवीर महाराज बुग्गा छत्री रात्रि के पैर अपने कमरे के अंदर पड़ा है, नींद ना ही राणा जी ने, मन के अंदर दुख जा शुरू हो गया है। सोचा यार हम तीनों भाई रहनमा खड़े थे, मैं क्यों नहीं पसंद करया नाई ब्राह्मण ने, मेरे में क्या कमी थी? अरे मेरे प्यारे जो तेरे भाई का रिश्ता हो गया ना, राजगद्दी का मालिक तय है, जो तेरे भाई का रिश्ता है तो मांगने वाला में शुरू हो जाएगा, क्यों जताए करेगा मांग का खाना पड़ेगा, बाप भी पानी दे दे, बाप भी रोटी दे दे, ये तो गड़बड़ होगा खेल तेरे प्यारे। ओह भाई बेचैनी अंदर बंदी चली गई, मन में दुख जाएगी, बेचैनी बढ़ती चली गई, मन में विचार कर लिया कि ना या तो ये रिश्ता मेरा होगा और नहीं इसका भी नहीं होगा, क्यों जो इसको हो गया तो मांगने वाला हो जाएगा। भाई बेचैनी के अंदर नींद ना आई, खड़े आ गया पलंग के ऊपर से, जहां मेहमान खाने के अंदर नाई ब्राह्मण लेटे थे ना, वहां का कुंडा खड़का दिया, पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी यार तो बड़े पता नहीं कहां कहां के थके पड़े थे बेचारे, पंडित जी यार ना तो नींद आ रही, परवा तो ना कुंडे छेदने दिया था। पंडित लगा कहना भाई कौन है? कि महाराज पंडित जी मैं हूं, दरवाजा खोलो। तय कौन है? कि मैं माई बाछल का बेटा गुग्गा राणा। भाई तय क्या कहा भाई? कि महाराज पंडित जी आप हमारे मेहमान हो, हमने तो सोचा भी खाए पी का थोड़ी देर बातें चीतें करेंगे, थप्पड़ कसेंगे। लगे कहने पंडित जी भाई यार रेप तो सवेरे करेंगे तेरी की बात। कि ना पंडित जी मेरा तो मन ही कर रहा बातें करने ना, नाई कहा पंडित जी और नहीं सुन देने का, पूछ ले क्या कहा। दरवाजा खोल दिया भाइयों, दोनों नाई ब्राह्मण बिठाए दिए। लगे कहने पंडित जी शाम के टाइम ज्यादा आए, तीनों भाई खड़े थे, कहो भाई
फिर पंडित जी मेरे में कोई कमी है कि ना भाई, काला हूं कि ना, ठिंगना हूं कि ना, लंबा हूं कि ना, अंधा हूं कि ना, काना कि ना। फिर पंडित जी जब मेरे में कोई कमी नहीं, थारी आंखा फूट गई थी, मैं नहीं देखूं था खड़े हैं। पंडित जी लगा कहना भाई जो दिमाग में बात बैठा ना सही तरीके से वही कही जा, वो लड़का मारे पसंद आया भाई, इस करके उसने हां कर दी, न्यू किस तरह कर दी। पंडित जी या तो मेरे में कोई कमी काट दे, अन्य रिश्ता मेरे भाई का नहीं देने का, मैं या तो करना पड़ेगा मेरा, अन्य अपना टिंड फोड़ी खाओ और जाओ। इब्ना इब्राहिम ने सोचा भाई इतने के बीच में फिर ये ठड्डा मिला था, इसने किक्कर खोज दे भाई छोरे, देख मारी समझ माया छोकरा वा, रिश्ता तो हम उसी का करके जाएंगे। फिर पंडित जी उसका नहीं मौन देने का, भाई रिश्ता उसी का करके जाएंगे, तो तय कौन है रोकने वाला। फिर पंडित जी मैं दिखाऊंगा रोक का, सुनो भाई सुनो, कोई चल काम थोड़ा मैं रोक कर दिखाऊंगा, भाई जिस तरह तेरे पर रोक के जाएगा रोक लिया, रिश्ता उसी का करके जाएंगे इस बेरी हम कच्चा, देख लो पंडित जी तो देख लिया जाए जो तेरे भवा कर ले कच्चा। भाई राणा जी बाहर आ गए, नाई ब्राह्मण ने कवाड़ बेट लिए, एक और राजा जेवर का बेटा खड़ा है का महल के आंगन के बीच में, एक अपनी माता नवल दे ने याद कर कहा, आज छत्री महाराज ने गांड बोली राजा वासन के पास है, एक भाई कैसे सुंदर नाग को जगावा और किस तरह अपने पास बुलावा भाई कैसे शोभा तरीक से बुलाना जी। काला धारी कलर गुरु माँ का ले ले।
बाबा संग ने आजी जिस वक्त नाग पलक से तला गिरा नागने के दौड़ का महाराज क्या बात हुई दरका उठे हैं क्या कोई माड़ा सुपना है क्या या कोई गनीम दुश्मन चढ़का है क्या राजा बासंगर का तो बीपी डाउन कर दिया उसने गिल्ली न्यो करा नागड़ कहा पति महाराज ऐसा क्या बन गया कि आज राजा जेवर का बेटा गुग्गा चौहान मेरे को गार्ड बोल के अपने पास बुला रहा है अरे नागने वो जन्मे जाए कि अमर ज्योत है जब उसके सामने चला गया ना बन्यो नहीं पता क्या कर देगा मेरे को हे महाराज अपने से ठाडा मार दे मार कर उन्हें भी नहीं देता ऐसा करो जब आपने बुला रहा क्या पता कोई काम हो और जो उसके बुलाए से गिरी जाएंगे तो क्या पता खुशी में क्या नाम दे देगा तेरे को करे रानी नाम नोम की तो मन्ना पता नहीं पर उसका नहीं पता विष्णु पति का दादा जी जे ना गया तो मरिया और जे बग्या मन मना फिर तो मार दे हे पति महाराज फिर बचका कर लग रहा उसके ऐसा करो उसने बुलाया है आप जाओ पर कर लेना जाइयो पांच चार आने के लो ले जाओ पांच चार ना गए राजा बासिंग ने गेलो ले लिए और बंबी के सोच में ने बाहर निकल गए भूखे महाराज के महल में आकर फौंकार मारिया राणा जी जय हर नाम जय हर नाम आवे राजा बासिंग महाराज आ गए क्या हुक्म है कि भाई राजा बासिंग आज तेरे वास्ते एक काम है मेरे पास क्या काम है महाराज कि भाई आज मेरे महल के अंदर दो मेहमान आए हैं अच्छा महाराज अरे भाई मेहमान आए हैं रिश्ता करने वास्ते ए देवियो बीबी ए बब्बो क्या खड़ा जा लमडी से भाई दो मेहमान आए हैं हमारे महल के अंदर अरे रिश्ता करा मेरे भाई का अच्छा महाराज फिर तो बड़ी अच्छी बात है बधाई आपने मेहमान के बच्चे बात सुन पहला मेहमान आए हैं रिश्ता करा मेरे भाई का और भाई का मन नहीं देना फिर महाराज हम क्या कर सका इसमें करे तो ही करागा जो कुछ करागा क्या करना होगा महाराज कैसा काम करो इस कमरे के अंदर बढ़ जाओ चारों कोने रोक लो दरवाजा रोक लो भाई इतना डरा जो डंक तो लाना नहीं बट डरा जो इतना भी डर के मारे रुपया नारियल मेरे पल्ले में पैदे महाराज हम जो करायो काम कच्चा ये नहीं करागा ना दरका कढ़ाई पकड़े तेल के बंबिया में तेल पवा दूंगा जितने तेरे नाग है सब नकलवा दूंगा ना कहा भाई फंस गया मेरे प्यारे इसके पिछली बातें सारी याद है जो बदी पाएगा वाकई में नाग यूं नहीं खत्म कर देगा अच्छा महाराज जैसा तेरा हुक्म होगा वैसे ही कर देंगे ये भाइयों कमरे के अंदर बढ़ गए हैं चारों कोने रोक लिए दरवाजा रोक लिया और नागा ने फंकारे मारने शुरू कर दिए फैं 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 फैं
पता तेरे का बाप किया पीटन दे चलना बजिस वक्त फंकार बजी नच पे रे दे नाई ब्राह्मण ने देखा जिंगा नजर फेराऊंगी सांप बैठे जिंगा नजर फेराऊंगी सांप बैठे जरा थाने को देखेड़ा बचंगाना मर रे जे रे आइयो रे भाईयो ओ पचाइयो रे आइयो रे खाई लिए रे इब कौन आवा दवा खड़ा था बाहर दरवाजे पे दरवाजा खोलना पड़ा जी क्या है क्या क्या है क्या किराए का सांप पता नहीं कहां जाएगी मेरे बचाइए गाड़ी है ना पंडित जी डराना कोई बात नहीं या तो अपने घर के पाले यहां के ना पाले तेरे उंगले जा अपने ना पंडित जी ये तो आपकी सेवा पानी में आया कराम ना नहीं करवानी नहीं पता सेवा ले जा अपने ना चले जा यहां से फिर पंडित जी न्यू नहीं है गंदे हां अरे ये किस तरह जाएंगे भाई पंडित जी जो मैंने कहा था वर भैया नारियल मेरे में पल्ले में पै दो रिश्ता मेरा मंजूर कर दो या चले जाएंगे तो ना भाई रिश्ता तेरा नहीं करते फिर पंडित जी थम जाना रही हो जाना हम चले भाई इस वक्त मुड़ा ना पंडित जी ने फिर ओ भाई रुक जा रहा है आ पंडित जी अरे मेरे यार ले जाना है कि पंडित जी नहीं जाने के हैं भाई नाई ब्राह्मण दोनों मजबूर कर दिए संपन्न डरा डरा का मंजे के पर्दे पवन के परचड़ाए जनु है पब्बे दर का खड़े गए भाई मजबूरी हो गई ब्राह्मण नाई की लगे कहन भाई इन्ने ले जा पंडा छोड़ दे तेरा ही कर देंगे भाई इब तो हम कार्य कर देंगे सवेरे जाएंगे हम होकर यो नहीं काम चलने का पंडा जी अरे भाई यहां तो ही साथ दो अरे साथ दो थम रुपया नारियल मेरे पल्ले में पै दो और मैं ना रोक दूंगा प्रेमियों लगे गंड भाई फिर पै देंगे नहीं कर अपनी मां ना बुला लिया एक दो गोंगड़ी का बुला लिया अपने घर के तो कर ले इकट्ठे और भाई अड़ दे लिया मिठा लिया तू बुला लिया भाई परांठा लिया तेरे माथे में तिलक भी तो करेंगे तेरा पंडा जी क्यों बोल रहे क्यों ढोंस ले कर रहा है इस धरती माता में पैदा हो इसी में मर जाना है का धरती पर मिट्टी का टिक्का ला दे मन मंजूर भाई नाई ब्राह्मण पदे जबरदस्ती जिस तरह कहा उस तरह कर दिया रुपया नारियल पल्ले में पवा लिया माथे में टिक्का करा लिया और नाई ब्राह्मण ने अपने मुख से कह दिया भाई राजा संजय की बेटी सोना सिरे का रिश्ता तेरे को दे दिया इब तो खुशा भाई ले जाए ना कहा पंडित जी तो चले जाएंगे पर देख मारा राजपुतन का एक रीति है कैसी कि जब लड़की का रुपया पल्ले में पाए दे ना तो उसके बाद रिश्ता करने वाले रहे नहीं कर दे पंडित जी अब यहां रहना ठीक नहीं है क्यों डर नहीं हुआ अभी कभी माई बाछ जाओ भाई रात ने कहा जाएंगे कि पंडित जी जहां मर्जी जाओ पर यहां नहीं रहना भाई रात ने पंडित जी का तपवाई दी जो क्यों मुझे रहना ओ भाइयों एक नाई ब्राह्मण को रात्रि के समय रुपया नारियल लेकर गुगा जी महाराज ने रवाना कर दिया है अब सवेर का हो जा टाइम प्रेमियों चार बजे के तड़का माई बाछल उठी माई बाछल सोचा भी नाई ब्राह्मण ने पानी दान के दी मुंह धो लेंगे इब देखा नाई ब्राह्मण के तो बिस्तरे इकट्ठे पड़े बजे रहेंगे हाँ जी पुष्कर गौड के नाम से ये भी कृपे का दान जय जयकार के जारवी भगवान अंतन के पादे परे गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोलो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की इमाई बादशाह ने सोचा भी कब चल घूमन फिरन गए होंगे बाहर बचे ने रुक जाने छह भी नहीं कह रहा कोई देखिए हम है आज भी तेरे जलवे हर कोई देख सकता नहीं है सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है तेरी आंखों पे पर्दा नहीं है कि मुझे रास आ गया है बोलो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की ले भाई सभी ताड़ी बजाएंगे जहारवीर बाबा जी का भजन मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना
मुझे राजी आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे राजी आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना झुकाना तेरे दर पे सर, मेरे भागने वाले तेरे दर पे सर, मिले घोड़े वाले तेरे दर पे सर, कलयुग के मसीहा तेरे दर पे सर, चल के दुलारे तेरे दर पे सर झुकाना मुझे राजी आ गया है, तो रहेगा मेरा अब तो रहेगा मेरा, अब तो रहेगा मेरा, तो रहेगा मेरा तेरे दर पे आना जाना, अब तो रहेगा मेरा तेरे दर पे आना जाना, जे राजी आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राजी आ गया है तेरी भोली सी ये सूरत तेरे मन में बस गई है गई है, तेरे मन में बस गई है गई है, तेरे मन में बस गई है गई है, मेरे मन में बस गई है, तेरी भोली सी ये सूरत मेरे मन में बस गई है गई है, मेरे मन में बस गई है गई है, के अब आ भी जाओ बाबा, 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 करके कोई बहाना, अब आ भी जाओ बाबा, करके कोई बहाना, मुझे राजी आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राजी आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राजी आ गया है तेरे दर पे सर, मुझे राजी आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राजी आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, बोलो सच्चे दरबार की जय। सवेर का टाइम है प्रेमियों, नाई ब्राह्मण नहीं मुड़काए, माई बाछर बाटा देख रही, 9:10 का टाइम है प्रेमियों, गुग्गा राणा जी उठे, माई बाछा दरवाजे पकड़ी, माई बाहर क्या देख रही कि बेटा वो नाई ब्राह्मण रात आए थे, इब लग न्याय का रास्ता बट गयो हूँ कि माता नाई ब्राह्मण तो रात चले गए थे, क्यों रे वतनियों कहाँ थे, उर्जन का रिश्ता करेंगे कि माता उनके कोई काम याद आ गया, न्यू किस रे क्या माता, बस मैं जाग रहा था मैं ठह दिया उन्हें, फिर भाई वो रिश्ते का क्या होगा कि माई मेरे तो न्यू कह गए भाई माना तो तीनों भाई एक बराबर दिखा था, भाई जोन सा गाड़ी आ गया भाई ठीक है, ये रुपये नारियल मेरे पर दम पाएंगे भाई, आहो बोली भाली माता बड़ा अड़छड़ की ना जाना थी सार, माई सोचा भी चलनी हुई होगी कभी देखी जाएगी जो कुछ होगा, रुपया नारियल माई बाछल ने लेकर डर लिया, आप प्रेमियों यहाँ की बात यहाँ है, नाई ब्राह्मण कारू देश के अंदर चले गए हैं, राजा के दरबार के अंदर गए, राजा ने पूछा पंडित जी करे मेरी कन्या का रिश्ता, क्या महाराज करके आए, कहां करया के महाराज जगह तो दूर है, कहां कर दिया भाई के महाराज बागड़ का देश राजस्थान, राजस्थान के अंदर देवा नाम की नगरी है, दादा उमर का पोता राजे जेवर का बेटा बाबे गोरखनाथ का प्रधान गुग्गा चौहान, हे महाराज नागों का औलिया है वो, बड़ी अच्छी जगह रिश्ता करके आए, राजा की तो इड्डी की लहर है खोपरी के माना लिखड़ गई, अरे पंडित थाना ठहरे रहा ठंडे बक्तवाड़ी, वो थर पर गिर जा रहा मिट्टी बिजली खो दिया करया कर, देख कहां रिश्ता करया, अरे बेईमान वो बागड़ का देश रेते का सुहाना, ना पीने का पानी ना बैठन की डंकी छाया, जाल के जंगल वहां मोठ बाजरे के खाने वाले बरसात का पानी पीने वाले, ऊपर से सूरज महाराज तपा नीचे से बागड़ का रेता, वहां रिश्ता कर दिया है, नाई ब्राह्मण ने कहा महाराज वह औलिया है उसके पास नाग हैं,
रिश्ता तो हम और छोकरे का करा थे, पर उसने डराया धर्म का हमारे पास तो रिश्ता करवा लिया। जाओ पंडित जी मेरी नजरा के सामने से चले जाओ, ये ना हो भी मैं गुस्से में कुछ कर बैठू। और राजा ने हलकारे को बुलाया, परवाना लिख दिया, परवाने के ऊपर लिखा था भाई बागड़ देश के गुग्गे ये, मैं कारू देश का राजा समझा, जो नाई ब्राह्मण तेरा रिश्ता करके गए इसने होया ना जानिए, मारे को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अपना जहां तेरा जी करा वहां करवा लिए, मारी बात ना देखिए भाई। भाइयों घोड़े का सवार होएगा कारू देश से चला हलकारा, कुछ रोजने के बाद बागड़ देश के अंदर आ गया प्रेमियों। अब प्रेमियों ददरेवे में आने का रास्ता डूंगी डाबर के बीच में था, उस टाइम भी डूंगी डाबर के बीच में जाल के पेटे के नीचे उर्जन सुर्जन कुगा महाराज चौपड़ खेल रहे बैठे। अब घोड़े वाले ने उन्हें देखा, राम रमैया करी, लगा कहन भाई मन गुगे चवान का जाना, बजट गुगे चवान का नाम लिया ना। राणा जी खड़े गया, भाई मैं गुगा चवान कहां ते आया भाई तू के? महाराज मैं आया कारू देश धूपा नगर से राजा संजा के थे। जोड़े कहा भाई दिखा ब्याह गया, ब्याह गया मेरे वीर, यह चिट्ठी लिखा क्या बात है भाई के महाराज ये राजा संजा का परवाना है तेरे पास, दिखाओ। अरे ले परवाना बाजन ला गया वह माई बात चले का लाल, दोनों खावे के पर जोड़े खड़े पड़ने लग रहे हैं, गुग्गा जी महाराज पढ़ रहे परवाना, राजा संजय लिखा ले बागड़ के गुग्गे चौहान, पहला मेरी राम रमैया और फिर भाई मेरी ये बात सुन लिए, जो तुम्हें रिश्ता यो नाई ब्राह्मण के पास से करवाया इसने होया ना जानिए, अपना और कहीं तो कर लिया, मन्ना यो रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी कन्या नहीं देता इस देश के अंदर। बप्पड़ का परवाना गुग्गे महाराज ने थेड़िया मरगड़ कर मेल का मारिया, भाई हलकारा वापस चला गया, बात बीत गई। राणा जी ने मन में ये सोच लिया चल भाई सोना नहीं मेरा होया, इनते भी खोई दिया करना, ना मेरे जोगा रहा ना कि जोगा माखता कोई से नहीं रहा। प्रेमियों अब जो होनी है वो तो बलवान है संसार के बीच में। कुछ दिन के बाद उसी डूंगी डाबर में तीनों भाई बैठे चौपड़ खेल रहे, ऐसा है प्रेमियों गुग्गा जी महाराज सार फेंका काने तीन आ जा, जोड़े सार फेंका पौ बारह आ जा, भाई खेल खेल मां जोड़े खुश रहे कि उनकी जीत रही, इबारने वाला जोड़ से उसका तो खून जला बिखरे, दो चार बारी नहीं होया ना जोड़े आसा और गुग्गे ने गुस्सा हुआ, राणा जी ने ठहका चौपड़ मेल का कुछ भी है यो कुछ खेल लिया बेकार यो, तो सुनो जोड़ा लगा कहना भाई कोई बात नहीं गुस्सा ना हुआ, ओ मेरी माँ के जाए ओ मेरे वीरन प्यारे ये खेल है, खेल में आज हम जीत रहे तो आ रहा कल तो जीतता का मारेंगे भाई, ये तो खेल है नहीं चलता रात जवान को लगाम दे अन्य शीत का खंडा शीतल से अलग कर दूंगा। इवन दो थे दूसरे लगा कहना भाई कर देगा क्यों नहीं कर देगा, तन्ना पता है कि हम बिना माँ बाप के हैं, मारा मारे पर तेरा जोर चबा पर राणे तन्ना बाहर भी पका दिया किसी ने कुछ, वो भाई घर क्या ना तो दुनिया मार दे बाहर का भी मारे तन्ना कोई, अरे जब तुम ऐसा राजपूत क्षत्रिय है ना वह राजा संजा रिश्ता करके नहीं मुकरा था तेरा, जब तुम राजपूत का बेटा है क्षत्रिय है उस मुकरे रिश्ते ना बना ले और लाडो सोना सिंगल को ब्याह ले, जब तेरे को मानेंगे तो गुग्गा छतरी चुमाना है, अरे तेरे पर के सौ फिरा चले रस्ता देख। एक बोली का तराना छाती के बीच में लगा छतरी महाराज के जयकार, राणे याद रखिए हमारी बात हम राजपूत हैं, ब्याह का छोड़ दे मांग नहीं छोड़ दे हैं, तेरी तो मांग छूट गई भाई, एक लोर उठा रहे एक दबा
एक छत्री महाराज घोड़े का सवार हो गया है, एक कहां अपने बाबे गोरखनाथ के डेरे के बीच में आवा, आएगा गुरु के डेरे के बीच में, एक कैसे बाबा जी को अपनी दास समान सुनावे, किस तरह जार मर जार कर कर हुआ छत्री महाराज, कैसे शोभा से बोल बने नाथ जी। वाले कत्ती ने बाबे माने का आजा जिया।
राजा